सरसों तेल की कीमतें आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है। एक सप्ताह के भीतर सभी कंपनियों के तेल के भाव में 5 से 8 रुपए की तेजी आई है। गुरुवार को गोरखपुर की थोक मंडी में सरसों का तेल 178 से 185 तो फुटकर में 190 से 198 रुपए लीटर तक बिका, जबकि मिलों पर सरसों का तेल 225 रुपए किलो बेचा जा रहा है। थोक कारोबारियों के मुताबिक वायदा कारोबार पर अंकुश ना लगने के कारण सरसों के तेल की कीमतें कम नहीं हो रही है। हाल ही के दिनों में सरसों तेल की कीमतों में कई बार बढ़ोतरी हुई है। खाद्य तेलों की बढ़ती हुई कीमतों लोगों के लिए रसोई का बजट बिगाड़ रही है। सरसों का तेल हो या रिफाइंड व पाम ऑयल, उसकी कीमतें जनवरी से लगातार बढ़ती रही। बीच बीच में दाम में कुछ गिरावट आई थी, लेकिन सरसों का तेल एक बार फिर अपने उच्चतम कीमत पर पहुंच गया। जून अंतिम सप्ताह में सरसों और रिफाइंड दोनों में 20 से 26 रुपए प्रति लीटर तक की कमी आई थी। कुछ दिन बाद ही दाम में तेजी आनी शुरू हो गई। सरसों के तेल में अन्य खाद्य तेलों के मिश्रण पर रोक की वजह से कीमतें लगातार बढ़ रही है। पिछले वर्ष मार्च के मुकाबले तेल की कीमत दोगुनी हो चुकी है। दाम बढ़ने का असर बिक्री पर पड़ रहा है। मध्यम वर्ग के लोग रिफाइंड और सरसों का तेल छोड़ पाम ऑयल खरीद रहे हैं। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।